आइए हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ सेल। सो अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो लेट अस नाउ वी आर डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ सेल। तो सेब के आधार पर इसे चार पार्ट में बांटा गया है, जिसका नाम है कोकस, बैसिलस, स्पेरिलोन एंड वेब्रियो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कोकस के बारे में। आइए हम बता दें कि जो कोकस होता है वह राउंडेड सेब बैक्टीरिया होता है, वह गोलेकार होता है, और जो बैसिलस होता है वह रॉड सेब का होता है, और जो स्पेरिलोन होता है वह स्प्रिंग सेप का होता है, एंड जो वेब्रियो होता है वह कॉमन सेप का होता है। सो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ वी आर डिस्कस अबाउट कोकस। ओके, कोकस के बारे में बात करते हैं, और कोकस भी बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसका नाम है मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, टेट्रार्किने एंड स्ट्राफिलोकोकस, बहुत सारे हैं जो हम जानेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सेब बैक्टीरिया आर फॉलोइंग टाइप्स, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल कोकस, द राउंडेड सेब बैक्टीरिया आर कॉल्ड कोकस, जो राउंड सेब बैक्टीरिया होते हैं उन्हें कोकस कहते हैं। दीज बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल, यह जो बैक्टीरिया होते हैं वे बहुत ही स्मॉल होते हैं। दे फर्दर डिवाइडेड इंटू फॉलोइंग टाइप्स, यह डिवाइड हुए हैं बहुत सारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोकोकस, आइए हम मोनोकोकस के बारे में बात करते हैं। सच बैक्टीरिया फाउंड अलोंग एज अ सिंगल सेल इन द एनवायरनमेंट, यह जो बैक्टीरिया होते हैं वे एनवायरनमेंट में सिंगल सेल्स के होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स माइक्रोकोकस ल्यूटस, डिफ्लोकोकस, सच टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया फाउंड इन पेयर, यह इस तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं वह पेयर में पाए जाते हैं। इट्स मीन्स टू राउंडेड बैक्टीरिया अटैच, दो राउंडेड बैक्टीरिया अटैच होते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स डिप्लोकोकस निमोनिया। आइए अब हम थर्ड बात करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। वन मेनी राउंडेड बैक्टीरिया, जब बहुत सारे बैक्टीरिया सेल अटैच होते हैं इन द फॉर्म ऑफ चैन के रूप में, देन इट इज कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकस, और इस तरह के हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। अब हम फॉर एग्जांपल्स क्या है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, इस क्या होते हैं, यह कर्ड में पाए जाते हैं। ट्रेड के बारे में पढ़ते हैं, वन फोर राउंडेड आर फूड इन पैक्टेड फॉर्म देन इट इज कॉल्ड ट्रेड, जब क्या होते हैं यह राउंडेड होते हैं और ऊपर नीचे जुड़े हुए होते हैं, इस बैक्टीरिया को हम ट्रेड कहते हैं। और फॉर एग्जांपल्स माइक्रोकोकस ल्यूटस। ओके, सार्केन के बारे में आइए हम बात करते हैं, उच्चारण में थोड़ा कंफर्म नहीं है। इन दिस टाइप 8 to 64 राउंडेड सेल आर फाउंड इन क्यूब लाइक फॉर्म। ओके, इसमें क्या होता है, ये क्यूब लाइक फॉर्म में ये जो बैक्टीरिया होते हैं वे पाए जाते हैं। ओके, इसे हम कहते हैं सार्केन। स्ट्रेफिलोकोकस के बारे में बात करते हैं, चलिए। वेन मैनी राउंडेड बैक्टीरिया सेल आर फाउंड, जब बहुत सारे मैनी राउंडेड बैक्टीरिया पाए जाते हैं एक में, और इन अ ग्रुप ऑफ इरेगुलर पैटर्न, एक ग्रुप में पाया जाता है और इरेगुलर पैटर्न होते हैं एक ग्रुप में, तो उस ग्रुप को हम कहते हैं स्ट्रेफिलोकोकस, जिसका कोई भी बहुत सारे राउंडेड बैक्टीरिया होते हैं एक ग्रुप में और उनका कोई भी पैटर्न ना हो, वह अरेगुलर पैटर्न में हो, जस्ट लाइक ग्रुप्स ब्रांच की तरह। ओके, सो यह रहा कोकस बैक्टीरिया के बारे में। ओके, आई होप कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा।
अब हम पढ़ेंगे बैसिलस के बारे में। सच बैक्टीरिया और रॉट सेप, यह जो बैक्टीरिया होते हैं यह रॉट सेप के तरह बैक्टीरिया होते हैं एंड दे आर जर्नली प्रोवाइडेड विद फ्लैजिला, और यह इनके पास फ्लैजिला होता है। द रॉट सेप बैक्टीरिया आर फॉलोइंग टाइप्स, मोनोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस एंड स्टेप्लोबैसिलस। मोनोबैसिलस में क्या होते हैं कि व्हेन ओनली वन रॉट लाइक बैक्टीरिया फाउंड फ्रीली देन इट इज कॉल्ड मोनोबैसिलस। ओके, ये जो मोनोबैसिलस के बैक्टीरिया होते हैं इसमें केवल एक ही रॉट सेप के बैक्टीरिया होता है जो कि फ्रीली होता है, और इस प्रक्रिया को हम मोनोबैसिलस कहते हैं। जो दूसरा होता है वह डिप्लोबैसिलस होता है जो कि इसमें दो रॉट सेप बैक्टीरिया होते हैं पेयर में। और जो स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है इसमें क्या होते हैं कि बहुत सारे बैक्टीरिया सेल फाउंड होते हैं एक चैन फॉर्म में। स्पेरिलियन क्या होते हैं, सच टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया आर वेरी मच साइक्लिक टू स्ट्रेट एंड स्प्रिंग लाइक, या स्प्रिंग लाइक के तरह होते बैक्टीरिया हैं। जो विवरीय होता है व्हिच बैक्टीरिया आर स्मॉल एंड कवर्ड जस्ट लाइक कामा सेप, यह बैक्टीरिया जो विवरीय सेप बैक्टीरिया होते हैं वे कामा सेप की तरह बैक्टीरिया होते हैं। सो यह आपका वीडियो रहा क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ सेप। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। यदि आपको समझ में आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कि जब मैं आपको वीडियो, जब मैं YouTube पर अपने चैनल पर वीडियो को अपलोड करूं ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। शो आई होप कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और नहीं यदि कोई भी क्वेश्चन आप इसमें आप आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर आपको क्वेश्चन का आंसर